स्लम सॉकर के संस्थापक विजय वारसे के जीवन पर बनी फिल्म झूंड के प्रमोशन के लिए कलाकार नागपुर पहुंचे। नागराज मंजुले, आकाश ठोसर व फिल्म के अन्य कलाकारों ने ढोल ताशे की गूंज के साथ रैली निकाली। फिल्म के डायलॉग झूंड नहीं ये टीम है की घोषणा से परिसर गूंज उठा। ढोल ताशे की गूंज के साथ फिल्मी कलाकारों ने जमकर डांस भी किया। गलत राह पर चलने वाले युवाओं को सही राह पर एक फुटबॉल के जरिए लाने वाली विजय वारसे पर बनी फिल्म आखिर रिलीज हो ही गई। फिल्म बनाने के बाद कोरोना और फिल्म के विरोध में पत्र परिषदों का दौर भी चला। इस सभी मुश्किलों के बाद आखिरकार फिल्म फ्लोर पर आ ही गई और फिल्म का प्रीमियर शो रविवार को बूटी सिनेप्लेक्स में हुआ। इस दौरान युवाओं का उल्लास देखने लायक था। फिल्म के ज्यादातर स्टार कास्ट नागपुर की होने की वजह से इस फिल्म में नागपुर वासियों को विशेष रुचि थी। अरे सर, आप तो देखेंगे कि उनका क्या मतलब उनसे इंस्पायर्ड है कहानी, और उनके जो स्टूडेंट हैं वो अखिलेश बॉल भी है, उनकी भी उनसे भी इंस्पायर्ड है। बाकी हरियाणा की बॉबी है, ऐसे लोग हैं जो जिंदा कैरेक्टर है, असली कैरेक्टर है, और उनकी कहानी है वो पर्दे पे आ रही है बड़े पर्दे में। तो मैं बहुत ज़्यादा यानी कि फुटबॉल, ये फुटबॉल की कहानी नहीं है सिर्फ, ये फुटबॉल खेलने वाले लोगों की कहानी है, और फुटबॉल एक जरिया है, और जो लोग हैं जिनके सुख दुख, जिनकी जिंदगी है, जिनके ख्वाब है, उसके बारे में कहानी है। और मैं खेल की है कहानी, लेकिन सिर्फ खेल की कहानी नहीं है। बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं पूरी टीम में, और हम बहुत मतलब पूरे नागपुर वासी को बहुत बहुत आभार है। थैंक यू, प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। जिसके लिए मैं कभी इस पब्लिक में खड़े रहता था, आज मेरे लिए पब्लिक खड़ी है, मैं को इतना आनंद हो रहा है, और जिसके लिए मैं नागराज साहब को बहुत धन्यवाद। नागराज मंजुले जी ने नागपुर के सभी कलाकारों को साथ में लेकर आज झूंड बहुत ही अच्छा फिल्म अपने सामने लाया है। हमारे नागपुर का गौरव बढ़ाया, नागपुर का मान बढ़ाया है, विदर्भ की शान बढ़ाई है, और अमिताभ बच्चन जी इनको लगातार यहाँ पर मैंने इनका शूटिंग चला, बुराड़ी में शूटिंग चला, और हमारे लिए गौरव की बात है कि जब नागराज मंजुले दर्शक यहाँ पर आते हैं और हमारे विदर्भ की शान बढ़ाते, तो हमारी सबकी जवाबदारी है उनके उनका सपोर्ट करना, और आगे भी नागपुर में फिल्म सिटी जैसा बड़ा रूप हो, और नागराज जी उसके लिए सामने आए, ये मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद। इस प्रीमियर शो के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लेखक व निर्देशक नागराज मंजुले, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व मंत्री सुलेखा कुंभारे, गिरीश गांधी, अभिनेता आकाश ठोसर भी उपस्थित थे। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।